सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हमारी रिवीजन में हम देखेंगे कल हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले कल हमने देखा था कि सिंटेक्स क्या होता है एचटीएमएल के एलिमेंट्स का, जिसके अंदर दो किस्म के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। एक एलिमेंट्स जिनमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग पे मिलके बने होते हैं जो एलिमेंट्स, और दूसरे एलिमेंट्स जो सिर्फ एक टैग के होते हैं और उनको अंदर उनके हम एट्रीब्यूट पास करते हैं। और उसके अलावा हमने एट्रीब्यूट का सिंटेक्स देखा था कि एट्रीब्यूट सबसे पहले एट्रीब्यूट का नेम आएगा, देन इज इक्वल टू साइन, और कोट्स के अंदर फिर हमारी जो भी वैल्यू होगी हम वो प्रोवाइड करेंगे। फिर हेडिंग्स थी। हेडिंग्स H1 से लेके H6 तक होती हैं। ये H1 से H6 छह डिफरेंट साइजेस हैं हमारी हेडिंग्स के, और इनकी हायरार्की इसी तरह होती है कि सबसे मेन हेडिंग H1, देन सब हेडिंग H2, उसकी सब हेडिंग H3 एंड अप टू H6। देन हेडिंग्स के साथ हम कोई भी पैराग्राफ ऐड करने के लिए हमने देखा कि हम P का टैग यूज़ करते हैं, P फॉर पैराग्राफ, और पैराग्राफ एलिमेंट को यूज़ करते हुए हम तमाम टेक्स्ट एलिमेंट्स, टेक्स्ट कंटेंट जो हमारा होता है वेबसाइट पे हम प्रेजेंट करते हैं। देन लिंक्स, एंकर टैग्स यूज होते हैं लिंक्स के लिए। लिंक्स हम किसी भी एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ जोड़ने के लिए हम लिंक्स एंकर टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, और इन ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो भी कंटेंट आता है ये वो कंटेंट है जो हमें डिस्प्ले किया जाता है वेब पेज के ऊपर। और जो हमारा एट्रीब्यूट है HRF का, इस एट्रीब्यूट के अंदर जो भी हमारा वैल्यू पास की जाती है ये वो वैल्यू होती है जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये एंकर हमारा कनेक्ट करे। देन फिर हमने इमेजेस टैग को देखा था। उसके अंदर हमने देखा कि ये सेकंड टाइप का एलिमेंट है, कि इसका सिर्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, जस्ट ओपनिंग टैग है, और इसके अंदर जो ज़रूरी दो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो SRC और ALT का है। SRC इसका सोर्स है कि इमेज का सोर्स क्या होगा, कौन सी इमेज होगी जिसमें जो डिस्प्ले की जाएगी इस इमेज टैग को यूज़ करते हुए। देन ALT हम टैग देखा था हमने एट्रीब्यूट, ALT एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट को, कि अगर इन केस इमेज शो नहीं होती तो उसका अल्टरनेटिव कुछ टेक्स्ट शो हो। देन दो और एट्रीब्यूट हमने इमेज के लिए देखे थे, एक विड्थ का और एक हाइट का। विड्थ और हाइट जिस तरह के सेल्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं ये दोनों, कि एक हॉरिजॉन्टल विड्थ डिस्क्राइब कर रही है उस इमेज टैग की, और एक हाइट वर्टिकल हाइट उसकी डिफाइन कर रही है। नाउ आज हम जो हमारा नया एक स्टार्ट होगा उसमें हम कुछ और एलिमेंट्स देखेंगे HTML के। फर्स्ट ऑफ ऑल वीजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस है। हम फर्स्ट से पहले एक्सप्लोरर में मूव करते हुए एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल के बटन पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसमें कोई भी नेम आप देख सकते हैं फाइल का। हम इंडेक्स यूज़ करेंगे, इंडेक्स और इसकी एक्सटेंशन, जैसे कल भी एक्सप्लेन किया था एक्सटेंशन इसकी .html है, और इसको हम क्रिएट कर लेंगे फाइल को। और फाइल क्रिएट करने के बाद आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे, सबसे पहले हम हमारा जो है फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। कल हमने टेक्स्ट पढ़ लिया कि H1 हेडिंग्स टैग्स और पैराग्राफ टैग्स हमने लेक्चर 1 में पढ़े। आज हम देखेंगे कि फॉर्मेट कैसे किया जाता है पैराग्राफ के मोस्टली टेक्स्ट को। तो आज का हमारा टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि यूज़ होते हैं एक टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट हम प्रेजेंट कर लेते हैं अपना। यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा टेक्स्ट ले लिया है अपने फाइल के अंदर, और ये टेक्स्ट हमारा मौजूद है। अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे। जैसे कल मैंने कहा था कि आप अपनी फोल्डर को नेविगेट करेंगे कि आपका फोल्डर किधर है, और उस फोल्डर के अंदर जो आपकी फाइल होगी उसके अंदर हम मूव करेंगे। ये हमारी फाइल है जो हमने क्रिएट की है, हम इसको डबल क्लिक करते हुए ओपन कर लेंगे। और इसको हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट हमने उधर डिस्प्ले किया अपने पैराग्राफ के टैग को यूज करते हुए, ये टेक्स्ट यहाँ पे अब हमें शो हो रहा है। देख सकते हैं कि हमने पैराग्राफ का एक ओपनिंग टैग लगाया है और क्लोजिंग टैग लगाया है,
और उसके दरमियान हमने कुछ सूडो टेक्स्ट डाला है। ये ऐसा कोई मीनिंग तो नहीं रखता, लेकिन ये मोस्टली इस्तेमाल होता है आपका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। जब आपके पास ओरिजिनल कंटेंट मौजूद ना हो तो आप यूज़ करते हैं इस टेक्स्ट को, और इस ये टेक्स्ट को हम कहते हैं लोरम। लोरम टेक्स्ट होता है ये। एक सूडो टेक्स्ट है जो आप इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास ओरिजिनल कंटेंट ना हो। तो अब हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे कि वर्ड या एक्सेल किसी ने इस्तेमाल किया हो तो वहाँ पे कोई थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग की जाती है। तो उसको उसी तरह हम देखेंगे कि HTML के एलिमेंट्स कैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये एक पूरी एक लाइन के अंदर पैराग्राफ है, जबकि अगर हमें ऐसा ना चाहिए हो, अगर हमें चाहिए हो कि हमारा पैराग्राफ दो लाइन पे मुश्तमिल हो, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते HTML के अंदर। HTML की फाइल बेसिकली ओरिजिनल स्पेस को काउंट नहीं करती, जस्ट वन स्पेस काउंट करती है। अगर हम इसके दरमियान बहुत सारी ज़्यादा सारी स्पेस दे देंगे और इसको हम कंट्रोल सेव करेंगे और हम अपनी ब्राउज़र के ऊपर इसको रिफ्रेश भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा स्पेस नहीं आई दो वर्ड्स के दरमियान, क्योंकि HTML दो वर्ड्स के दरमियान जस्ट एक ही स्पेस को कंसिडर करती है और एक स्पेस से ज़्यादा जो स्पेस है वो कंसिडर नहीं करती। तो अगर हमने ज़्यादा स्पेस इंट्रोड्यूस करवानी है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो हम देखेंगे कि हम फॉर्मेटिंग कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं HTML के जो हम यूज़ करके वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें लाइन ब्रेक करवानी हो पैराग्राफ, बेसिकली हम अगर हमने मल्टीपल लाइंस के ऊपर लेके जाना हो, तो हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है br। ये सेकंड टाइप का एक टैग है कि इसका सिर्फ ओपनिंग एक ही टैग है, क्लोजिंग टैग इसका नहीं है इस एलिमेंट का। लेकिन अब इसका वर्क कुछ इस तरह करता है कि ये अब HTML फाइल जो है हमारी, उसको ये लाइन ब्रेक कर देगा जहाँ पे हमने br टैग लगाया होगा। br टैग जिधर लगा होगा उसके आगे के टेक्स्ट को ये नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट कर देगा। हमने पहले एलिट के आगे एक टेक्स्ट br टैग लगाया, उसने एलिट के आगे का जो भी कंटेंट था उसे नीचे शिफ्ट कर दिया। अब हम एक और आगे लगा देते हैं, यहाँ पे br टैग लगाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक्ट करेगा। और अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ से भी उसने एक और दोबारा लाइन को ब्रेक कर दिया, नीचे ले गया जो भी कंटेंट था br टैग के आगे वाला। तो ये था br टैग जो कि इस्तेमाल होता है लाइन ब्रेक के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा जो अगर हमने किसी चीज़ पे एम्फसाइज करना हो किसी टेक्स्ट को, या हमने किसी चीज़ को अटैलिक करना हो, तो वो कौन सा हम टैग यूज़ करते हैं। तो हम टैग यूज़ करते हैं m, और ये क्योंकि सेकेंड फर्स्ट टाइप का एलिमेंट है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। तो जो टेक्स्ट हमने एम्फसाइज करना हो, जो टेक्स्ट हमने अटैलिक करना हो, तो वो टेक्स्ट इन इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जाएगा। बाकी टेक्स्ट बाय नॉर्मल रहेगा जिस तरह है। जो टेक्स्ट हमने एम्फसाइज करना हो वो इन दो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरम्यान में जाएगा। अब इसको हम नोटिस करेंगे इधर, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा ये हो चुका है इटैलिक। तो ये एम टैग की वजह से है क्योंकि ये इटैलिक हो चुका है अब। और अब एक और टैग हम डिस्कस करेंगे एम के साथ ही, जो कि है, अगर एम को मैं यहाँ से डिलीट करके आई टैग टैग लगा देता हूँ और हम ब्राउज़र के ऊपर इसको दोबारा रिफ्रेश करें, तो ऐसा सच कोई इसमें डिफरेंस आया नहीं, ये अभी का अभी इटैलिक ही है। तो एम टैग और आई टैग बेसिकली दोनों वर्क सेम करते हैं, दोनों ही टेक्स्ट को जो है इटैलिक कर देते हैं। लेकिन अगर किसी टेक्स्ट पे आपने मीनिंग प्रोवाइड करना है, सिमेंटिक मीनिंग प्रोवाइड करना है, कि उसको आपने ना जस्ट के सिर्फ उसको आपने इटैलिक करना है, बस उसको एम्फसाइज भी आपने करना है, तो फिर आप एम का टैग यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ आपने किसी टेक्स्ट को स्टाइल के लिए इटैलिक करना है तो आप सिर्फ आई का टैग यूज़ करेंगे, एम का टैग नहीं यूज़ करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली हम आगे भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि इन दोनों का बेसिक ज़्यादा डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंस आगे हम जब स्क्रीन रीडर्स की तरफ जाएंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही आप सोच लें कि आई टैग जो है जस्ट स्टाइल के लिए, अगर टेक्स्ट को इटैलिक करना हो उसके लिए इस्तेमाल होगा, और एम का टैग इस्तेमाल होगा अगर आपने टेक्स्ट को इटैलिक करना हो स्टाइल के लिए, लेकिन साथ में एम्फसाइज भी करना हो। उसके बाद आपका एक और टेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होगा वो टेक्स्ट होगा स्मॉल का, हम लगा लेंगे स्मॉल। ये भी आपका जो है फर्स्ट टाइप का एलिमेंट है कि इसका एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग है।
और हम इसको जो भी कंटेंट हमें इसके साथ हमें चाहिए होगा इसके अंदर, वो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आएगा, तभी ये उस पैक कर पाएगा। और अब अगर हम ब्राउज़र के ऊपर आके रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हमने उस स्मॉल टैग के अंदर, स्मॉल एलिमेंट के अंदर हमने रैप किया था, अब ये बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा स्मॉल हो चुका है। अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी हो इस तरह की कि आपको कुछ कुछ लाइन टेक्स्ट की या एक वर्ड या एक लेटर भी आपको अगर स्मॉल चाहिए हो, तो उसको आप स्मॉल टैग के अंदर यूज़ करें ताकि वो स्मॉल हो जाए। उसके बाद स्मॉल के साथ ही एक और टैग इसे हम यूज करेंगे जो कि है स्ट्रॉन्ग। बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि स्मॉल का जो ऑपोजिट है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसको एक थोड़ा से टेक्स्ट इसके अंदर हम रैप कर लें, अगर इसको हम अगर दोबारा जाकर रिफ्रेश करें, तो अब ये जो टेक्स्ट था ये हल्का सा बोल्ड हो चुका है। तो ये स्ट्रॉन्ग टैग का डूइंग है, उसने किया है ये कि इस टेक्स्ट को हल्का सा बोल्ड कर दिया है बाकी टेक्स्ट की निस्बत। इसके जो नॉर्मल टेक्स्ट है इसकी निस्बत स्ट्रॉन्ग वाला टेक्स्ट हल्का सा बोल्ड हो चुका है। अब उसके बाद अगर हम देखें, हम अगर इस पैराग्राफ को छोड़ के नीचे आ जाएं और यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड कर लें और यहाँ पे हम लिखें एक्स। अब अगर हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड करनी हो और एक्स रेज टू द पावर स्क्वेयर करना हो, तो अब हम जो टेक्स्ट यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे SUP। ये हमारा टैग होगा, SUP मीन्स सुपर स्क्रिप्टेड। सुपर स्क्रिप्टेड मीन्स के अब ये टॉप पे शो होगा उसके। अगर हम एक्स रेज टू पावर 2 करेंगे और अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें, तो हम देख सकते हैं कि एक्स हमारा, एक्स के साथ हमारा ऊपर स्केल हमारा शो हो रहा है, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट ऑफ कोर्स नहीं है, ये सुपर स्क्रिप्टेड है कि उसके ऊपर वाले हिस्से में शो हो रहा है। और इसी के साथ एक और टैग भी इसी का ऑपोजिट आप कह सकते हैं कि है, वो टैग है SUB सबस्क्रिप्टेड। मीन्स अगर हम सबस्क्रिप्टेड देख लें, बेस टू द पावर 10 कर लें अगर हम, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि अब जो ये टेक्स्ट है ये एक्स के हल्का सा एक आधा करेक्टर नीचे शो हो रहा है, जो के है आपका सबस्क्रिप्ट है ये। अब लिखे और ऊपर वाला जो था वो आपका सुपर स्क्रिप्टेड था और नीचे वाला जो आपका ये सबस्क्रिप्टेड है। और इन्हीं को अगर हम सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के टैग्स को हटा दें, तो हम नोटिस करेंगे कि जो ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल एक्स के इक्वल शो होगा। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अब तमाम टेक्स्ट आपस में इक्वल शो हो रहा है, कोई ऊपर या नीचे नहीं है। तो ये आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है कि अगर आपने स्क्वेयर शो करवाना हो या आपने किसी मैथमेटिकल इक्वेशन की आपने बेस शो करवानी हो, तो ये उसके लिए है। तो नेक्स्ट हमारा जो टैग आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारा DEL टैग जो कि है हमारा डेल टैग। डेल टैग के अंदर जो ये भी हमारा फर्स्ट टाइप का एलिमेंट है कि ये हमारा दो टैग्स हैं इसके, ओपनिंग और क्लोजिंग। और ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो भी हमारा टेक्स्ट जाएगा, और इसको जब हम अपने वेब पेज के ऊपर नोटिस करेंगे, तो ये हल्का सा एक इसके अंदर एक लाइन है, लाइन थ्रू है इसके अंदर से, विच मीन्स कि किस चीज़ को अगर डिलीट कर दिया जाए तो ये डिलीटेड टेक्स्ट है। आपने अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ शो करवानी हो, इसका एक यूज़ केस हो सकता है कि अगर आपने किसी ऑनलाइन साइट पे देखा हो, आपने किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट के ऊपर देखा हो, तो उसमें मोस्ट कॉमनली ये होता है कि एक आपकी ओरिजिनल प्राइस आ रही होती है, लेकिन वो उसको डिलीटेड होता है वो टैक्स, और उसके साथ एक डिस्काउंटेड प्राइस आ रही होती है। तो ये इस किस्म के यूज़ केस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है डिलीटेड टैक्स, कि आपने ओरिजिनल टेक्स्ट प्रोवाइड उधर करना हो लेकिन आपने उसको डिलीट करना हो, तो आप ये डेल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है एक हमारा टैग है मार्क का टैग। मार्क का टैग बेसिकली इस्तेमाल होता है किसी भी टेक्स्ट को मार्क करने के लिए, फॉर्म मार्क आई मीन के हाईलाइट करने के लिए। अगर हाईलाइट हम देखें और अगर हम इसको ब्राउजर के ऊपर हम अब देखें, रिफ्रेश करें ब्राउजर को, तो यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट शो हो रहा है जो कि है हाईलाइटेड। लेकिन क्या हो, क्या हम चाहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट इसके सामने ना शो हो, इसके नीचे शो हो? तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि हम BR टैग यूज करेंगे,
ब्रेक करवा देंगे लाइन को और ये उसके अगली वाली लाइन पे चला जाएगा। हम अगर इसको रिफ्रेश करें तो ये उसकी अगली वाली लाइन पे चला गया है। इसका जो डिफॉल्ट इसका है वो क्रोम ब्राउजर का जो डिफॉल्ट इसका स्टाइल है वो है येलो में, लेकिन मुख्तलिफ ब्राउजर्स के अंदर मुख्तलिफ कलर भी शो हो सकता है। और जैसे जैसे हम एडवांस चले जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि इसको अपना कस्टम आप कैसे इसको कलर दे सकते हैं, और या आपने कोई भी कस्टम स्टाइल करना हो तो वो आप CSS के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी जो HTML की थी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वो है। HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद हम अभी कुछ चीज़ मैं फर्स्ट लेक्चर से ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमने डिस्कस नहीं की कि वो क्या होती है, तो अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है ये स्टॉपर ये चीज़। लेकिन अगर हम अभी देख लें कि यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ किसी भी टैग के बगैर, किसी भी टैग के बगैर यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और अगर हम अपने वेब ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करें तो हमारा ये मेरा नाम ऊपर आ चुका है। मैंने कोई भी टैग यूज़ नहीं किया HTML का, जस्ट अपना नाम लिख दिया है टेक्स्ट के अंदर, लेकिन वो भी यहाँ पे शो हो गया। तो HTML किसी भी टेक्स्ट को बगैर एलिमेंट के भी अब किसी भी टेक्स्ट को शो करवा देती है। लेकिन क्या हो कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा टेक्स्ट हम लिखें कि वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली ऐसा ऐसा कोड होता है जो कि आपका आपको तो नज़र आ रहा होता है, रीडेबल होता है, एडिटेबल होता है, आपकी फाइल में मौजूद होता है, लेकिन वो आपका रन नहीं होता, सर्वर उसको रन नहीं करता, ब्राउज़र उसको शो नहीं करवाता। जैसे कि मैंने अभी अपना इधर नाम लिखा था किसी भी टैग के बगैर, वो तो शो हो गया, लेकिन इधर मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है ये उधर ब्राउज़र के ऊपर कहीं भी हमें शो नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बेसिकली ये कमेंटेड है। और HTML के अंदर कमेंट करने का क्या बेसिक सिंटैक्स होता है? तो HTML के अंदर कमेंट करने का सिंटैक्स जिस तरह के नॉर्मल कोई भी टैग हमारा होता है कि एक लेस देन और ग्रेटर देन साइन आता है, और उसके अंदर फिर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क और टू डैशेस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, और फिर उसके एंड पे जो हमारा ग्रेटर देन साइन है उससे पहले भी दो डैश आएंगे, और उसके दरम्यान जो भी हम कंटेंट डालेंगे वो वाला हमारा हमारा एक टेक्स्ट कमेंट होगा जो कि हमें शो बिल्कुल भी नहीं होगा अपने वेब पेज के ऊपर, ना ही उसको कोई सर्वर या ब्राउज़र उसको रन करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैं फर्स्ट लेक्चर से ही इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको मुख्तलिफ अपना टॉपिक डिस्कस करने के लिए और लिखने के लिए, ताकि जब आप लोग फाइल को विजिट करें तो आप लोगों को पता हो कि हाँ हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे इधर। तो कमेंट्स बेसिकली इसी यूज़ के लिए हैं कि आपने जो भी कोड लिखा है आप अपने आप को याद करवाने के लिए, या किसी और डेवलपर की हेल्प के लिए जो कि आपकी फ़ाइल फ्यूचर में देख सकता है, आप उसको कमेंट इधर लिख दें कि ये मेरा कोड इस वक्त के लिए मैंने ये इस वजह से लिखा था, ताकि आपकी भी अगर आप कुछ मंथ्स के बाद अपनी फाइल को विजिट कर रहे हैं तो आपकी भी हेल्प हो कि आपको पता हो कि आपने ये कोड किस लिए लिखा था, या कोई और डेवलपर अगर आपकी फ़ाइल को विजिट कर रहा है तो उसके लिए भी उसकी भी हेल्प हो कि उसको पता हो कि ये कोड किस लिए लिखा गया था। अब उसके बाद हम कुछ और चीज़ डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे HTML कलर्स के बारे में। एक और हम कमेंट इधर ऐड करेंगे जिसमें हम लिखेंगे HTML कलर्स। HTML कलर्स बेसिकली क्या है कि HTML के अंदर कौन कौन से प्री डिफाइंड कलर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे कि हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। हम इधर सिंपल एक पी टैग इस्तेमाल कर लेते हैं और इसमें हम लोरम ऐड कर लेते हैं अपना, जो लोरम हमने डिस्कस किया है कि लोरम एक ऐसा टेक्स्ट है जब यहाँ पे हमारे पास कोई कंटेंट मौजूद ना हो तो उस कंटेंट को बेसिक सूडो कंटेंट है ये हमारे पास ओरिजिनल, अब ये कोई वेबसाइट तो नहीं है लेकिन यहाँ पे एक सूडो कंटेंट है जो कि हम यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन आया है कि बॉयलर प्लेट कोड नहीं बताएंगे, बेसिकली बॉयलर प्लेट आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी हम जस्ट एलिमेंट्स को देख रहे हैं, HTML के बेसिक सिंटेक्स को देख रहे हैं। हमारा बेसिक सिंटेक्स जैसे ही ख़त्म होगा तो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपका जो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए HTML की फाइल का, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हम देख लेते हैं कुछ कलर्स। अब आपने एक एट्रीब्यूट को देखना है, ये जो कि एट्रीब्यूट है हल्का सा ये CSS से रिलेटेड है, लेकिन हम इसको अभी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये कलरफुल हो जाए, आपका टेक्स्ट बिल्कुल ब्लेंड ना रहे। तो हम लिखेंगे स्टाइल का एट्रीब्यूट बेसिक सिंटेक्स के साथ ही, इज इक्वल टू साइन कोट्स आएगा उसके अंदर, फिर हम लिखेंगे कलर
और उसके बाद कलर के बाद हमारी एक वैल्यू, ये हमारा डिक्लेरेशन है, उसके बाद कोलन आएगा और उसके बाद एक आएगा सेमी कोलन और उसके दरमियान जो आएगा वो हमारी वैल्यू होगी। अब हमने कोई कलर डिफाइन अगर करना है तो उस कलर में हम लिख देंगे जैसे कि रेड, जस्ट रेड लिख देंगे। और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें तो ये हमारा एक नया जो हमने पैराग्राफ ऐड किया था, लेकिन अब इसका कलर रेड आ रहा है, पहले वाले पैराग्राफ का कलर जस्ट ब्लैक था। तो ये कलर हमने सेट किया है, इसी वजह से ये कलर रेड हो चुका है। इसी तरह अगर इस कलर को हम ब्लू कर दें तो ऑफ कोर्स क्या ही होगा कि ये कलर ब्लू हो जाएगा। अभी रिफ्रेश मैंने पेज किया है, शॉर्टकट की इस्तेमाल की है F5। ये आपने याद रखनी है कि आप शॉर्टकट की से भी रिफ्रेश कर सकते हैं ताकि बार बार आपको इधर आना आना पड़े। अगेन हम कलर देखा ब्लू एंड और भी बहुत सारे कलर हैं। अगर हम एक कलर्स की लिस्ट देख लें, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं जो प्री डिफाइंड हैं, और उसके बाद कुछ और भी तरीके हैं कलर्स को डिफाइन करने के, उनको हम इंशाल्लाह देखेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ नेम लिखेंगे कलर का जो HTML के अंदर प्री डिफाइंड है, तो आपका कलर, आपका जो टेक्स्ट है वो कलराइज्ड हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेंगे कि HTML के अंदर हमारे पास इमेजेस को थोड़ा हम और एक्सपेंड करेंगे कि हमने कल इमेजेस को देखा तो था इमेज का टैग, और उसका हम एक बार दोबारा उसको रिविजिट करेंगे कि इमेज टैग क्या होता है। हम दोबारा इमेज के टैग को एक बार रिविजिट करेंगे क्योंकि ये बहुत यूज एलिमेंट है, ये HTML के अंदर ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इमेज टैग के अंदर जो बेसिक दो आपके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके हैं SRC, विच मीन्स के आपका सोर्स क्या है इमेज का। देन आपका जो एक और एसेंशियल एलिमेंट है वो है ऑल टैग, और ये डिफाइन करता है कि आपका बेसिकली अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिफाइन करता है कि इमेज टैग अगर इन केस अगर इमेज नहीं आ पाती तो आपका जो आपका टैग होगा वो कौन सा टैग होगा, आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम अब HTML के बारे में हम एक और जी एलिमेंट जो है हमारा बेसिक एलिमेंट है HTML का, उसको डिस्कस करेंगे जो कि है लिस्ट, HTML लिस्ट। तो लिस्ट हम अब देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स की लिंक्स लिस्ट लिस्ट हैं और हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लिस्ट है वो है हमारी UL। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का एलिमेंट है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आएगा। UL मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इधर मैं एक कॉमेंट ऐड करूंगा, कॉमेंट का जो बेसिकली शॉर्टकट मैं यूज कर रहा हूँ ताकि आपको सारा टाइप ना करना पड़े, जो लेस देन साइन है, ग्रेटर देन साइन है, आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सारा कुछ आपको टाइप ना करना पड़े। तो आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के और कंट्रोल सी। आप इसको एक बार कंट्रोल पकड़ के के दबाएंगे, देन के को लेफ्ट करके सी दबाएंगे तो आपका एक कमेंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो UL means unordered list, unordered क्या हुआ है और आगे दूसरी टाइप क्या है हम डिस्कस कर लेंगे अभी। और अभी हम यहाँ पे एक और एलिमेंट यूज़ करेंगे जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स है एक किसी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए या किसी भी लिस्ट के लिए ओवरऑल। तो LI क्या है, ऑफ कोर्स LI हम दोबारा एक इधर कॉमेंट ऐड करेंगे LI के लिए कि व्हाट इज़ LI means। अगेन कॉमेंट ऐड करने का शॉर्टकट है कंट्रोल के कंट्रोल सी, और LI means list items या list item। तो list item के अंदर अब हम यहाँ पे कोई भी अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं, हम कुछ भी नेम्स कुछ ले लेते हैं, उमर ले लेते हैं हम। अगेन हम एक और li ऐड करेंगे जिसमें हम नेम ले लेंगे अली। एक और li ऐड करेंगे हम जिसमें हम लिख देंगे अब्दुल्ला। तो ये हमारी एक छोटी सी लिस्ट बन चुकी है। अगर अब इसको ब्राउजर के ऊपर हम रिफ्रेश करके देखें
तो अब ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन चुकी है। अनऑर्डर्ड मीन्स इसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड नहीं है। इसका टॉप एलिमेंट नीचे भी आ सकता है और नीचे वाला एलिमेंट ऊपर भी आ सकता है। तो इसके साथ बेसिक डॉट्स हैं क्योंकि हम इसको वन बाय वन नंबरिंग नहीं दे रहे। बेसिकली इसको चेंज भी किया जा सकता है। इसका ऊपर वाला आइटम नीचे आ सकता है और नीचे वाला ऊपर जा सकता है या मिडिल वाला नीचे आ सकता है। तो अगर आपकी लिस्ट के अंदर लिस्ट के मीनिंग के अंदर बेसिकली वो आपका हायरार्की मीनिंगफुल ना हो, कमेंट के लिए क्या बताया है? सो कमेंट के लिए मैंने बताया है कंट्रोल के एंड देन कंट्रोल सी। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ताकि आपको फील बाद में जब आप रिविजिट करें। आपको इन दोनों को कंसेक्यूटिवली रन करना है। आप पहले कंट्रोल के करेंगे देन कंट्रोल सी करेंगे तो आपका एक नया कमेंट ऐड हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। तो हमारी लिस्ट इधर एक अनऑर्डर्ड, जब मैं बता रहा था कि अगर आपकी लिस्ट के मीनिंग के अंदर हायरार्की ना हो तो आपने फिर अनऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर कुछ हायरार्की हो कि आपका लिस्ट ऐसी है कि आप चाहते हैं कि जो आपका टॉप आइटम है वो टॉप पर रहे और बॉटम आइटम बॉटम पे रहे, तो आप ऐड करेंगे बजाय यूएल के आप ऐड करेंगे ओएल, विच मींस ऑफ कोर्स यूएल मींस अनऑर्डर लिस्ट। तो ओएल क्या क्या बनेगा? ऑर्डर लिस्ट। हम इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे। ओएल मींस ऑर्डर लिस्ट, ओएल मींस ऑर्डर लिस्ट एंड देन हम ऑफ कोर्स एलआई इसके अंदर आएगा क्योंकि ये भी एक लिस्ट है तो इसका लिस्ट आइटम होगा। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं कोई ऐसा कि हम अपना फर्स्ट आइटम हम यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट आइटम हम लिखेंगे एल आई, सेकेंड आइटम एल आई और यहाँ पे हमारा आ जाएगा थर्ड आइटम। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आइटम, अब यहाँ पे क्योंकि ये ओएल है तो एल आई हमारा चेंज नहीं हो सकता। जो फर्स्ट आइटम है वो फर्स्ट पे है, सेकंड वाला सेकंड पे, थर्ड वाला थर्ड पे। ये हमारे लिए कंपलसरी जब हो तब हमने ओएल ऐड करनी है। जब हमारे लिए ये कंपलसरी ना हो कि हमारा लिस्ट आइटम नीचे वाला नीचे रहे ऊपर वाला ऊपर रहे, तो तब हमने अनऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करनी है। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश कर लें तो जो की डिफरेंस हमारा जो विजुअल में है जो हमें नज़र आता है वो की डिफरेंस हमारा है इसके स्टाइल के अंदर कि ये जो शो होता है लिस्ट ये डॉट्स के साथ शो होती है जो इसका स्टाइल है। लेकिन अगर जो ऑर्डर लिस्ट पे हम देखें तो ये हमारी नंबरिंग के साथ शो होती है क्योंकि फर्स्ट आइटम पे फर्स्ट नंबर है, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड, अप टू सो ऑन। जितने भी आप एल आई ऐड करते जाएंगे, जितने भी आप लिस्ट आइटम ऐड करते जाएंगे उसी तरह ये लिस्ट जो है आपकी बढ़ती जाएगी और आपका जो है नंबरिंग बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर आप अनऑर्डर लिस्ट में ऐड करते जाएंगे तो वो आपका जो अनऑर्डर का आपका है अनऑर्डर आइटम्स जो होंगे वो आपके बढ़ते जाएंगे, उनके साथ सिर्फ डॉट ही आएगा और उनके साथ नंबर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो अनऑर्डर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पेज टाइटल। आपका पेज टाइटल बेसिकली क्या होता है, पहले देख लेते हैं कि पेज टाइटल क्या होता है। आप अगर हम अपने गूगल क्रोम के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे ऊपर देखें, अगर हम यहाँ पे एक और टैब ओपन कर लें तो इस पेज का जो टाइटल है अभी शो हो रहा है हमें index.html जो कि हमारी फाइल का नेम है, लेकिन इस पेज का हमें शो हो रहा है न्यू इनकॉग्निटो टैब। तो यहाँ पे टाइटल डिफरेंट है, यहाँ पे टाइटल डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम कोई वेब पेज अगर ओपन कर लेंगे तो उसका टाइटल भी डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे अपनी कम्युनिटी की हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो इसका पेज टाइटल हम देख लेंगे, इसका पेज टाइटल क्या होगा। तो इसका पेज टाइटल हमारे होम पेज का है, हमारा टीसीसी आगे होम लिखा हुआ है। इसी तरह अबाउट अस पेज का है, अबाउट अस लिखा हुआ है। कोर्सेज के पेज का हमारा डिफरेंट लिखा हुआ है। इसी तरह आगे डिफरेंट हमारे टाइटल्स लिखे हुए हैं हर पेज के लिए। इसी तरह हम अपने पेज का भी टाइटल देखते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है।
तो अब हम देखेंगे हमारा टाइटल एलिमेंट, TITLE टाइटल। अब टाइटल एलिमेंट भी ये हमारी जो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की थी उस टाइप का है कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है और इसके दरमियान जो भी कंटेंट आएगा अंडरस्टूड सी बात है कि वो हमारा कंटेंट इधर शो होगा। तो अब हम इधर लिख लेते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं अपनी कम्युनिटी का नेम लिख लेते हैं, और हम अगर रिफ्रेश करें इसको तो हमारा पेज टाइटल ऊपर से चेंज हो चुका है जो कि अब हमारा वो आ रहा है जो हमने उधर अपना ऐड किया है इधर। इसी तरह अगर हम दोबारा चेंज कर लें अपने फेसबुक का लिंक अगर इधर डाल दें हम, तो अब हमारा फेसबुक का लिंक तो शो हो रहा है। इसी तरह कुछ भी बहरहाल आप चेंज करेंगे, इधर कुछ भी टेक्स्ट ऐड करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका जो है वो उधर ऊपर शो होने लग जाएगा। इसी तो ये हमारा पेज टाइटल है। आपने टाइटल बेसिकली पेज का लाजम सेट करना होता है, टाइटल के बगैर आपका वो नहीं आ सकता, आप अपना वो नहीं कर सकते। पेज टाइटल के बगैर आपका वेब पेज जो है वेब ब्राउज़र आपके पेजेस जो है डिस्कस वो अच्छी तरह नहीं कर पाएगा अपने सर्वर के साथ। तो आपने पेज टाइटल अब हर पेज का प्रॉपर तरीके से उधर लिखना है। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट आएगा हम अब डिस्कस करेंगे क्लासेस एंड आईडीज। क्लासेस और आईडीज क्या होती हैं अब हम देख लेते हैं। हम क्लासेस आर यूज्ड टू स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स। बेसिकली हम देखते हैं क्लासेस होती क्या है। अगर हम यहाँ पे पी टैग एक इस्तेमाल कर लें और इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करें हम, जो कि एट्रीब्यूट का नेम होगा हमारा क्लास, देन उसका बेसिक स्ट्रक्चर आएगा इज इक्वल टू साइन कोट्स। और अब ये क्लास बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होती है हम अगर देख लें कि ये एलिमेंट जो हमारा है इसका एक जनरल नेम तो है, लेकिन ये अब इधर हम देखें तो तीन मुख्तलिफ एलाइज हैं। क्या हो कि हमें ये वाला एलाई चाहिए हो और हमने इसको कुछ करना हो अपने सीएसएस से या जावास्क्रिप्ट से, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें ये वाला पर्टिकुलर एलाई चाहिए। तो उस काम के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, एक है क्लासेस देन है आईडी। अब हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं क्लासेस और आईडी क्या है। फर्स्ट, क्लास और आईडी का जो डिफरेंस है बीच में एक दूसरे का वो ये है कि क्लासेस बेसिकली मल्टीपल आइटम्स पे सेम क्लास आ सकती है, लेकिन आईडी इज वेरी यूनिक, आईडी किसी और के पास नहीं जा सकती। जिस तरह के अगर हम देख लें कि अगर हम एग्जाम्पल लें इसकी रियल वर्ल्ड की, तो एक क्लास के अंदर दो सेम नेम के स्टूडेंट तो हो सकते हैं, लेकिन उसी क्लास के अंदर दो सेम रोल नंबर्स के स्टूडेंट नहीं हो सकते। जिस तरह के अगर हम एक और अच्छी एग्जांपल में आपको इसी को एक्सपेंड करूं कि मेरी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास में मेरे नाम के दो स्टूडेंट्स हैं, उमर, एक मैं हूं, एक और उमर है, लेकिन जो मेरा रोल नंबर है वो उसका नहीं है। हवा के मेरा जो रोल नंबर है वो किसी भी और स्टूडेंट का नहीं है, जो मेरा रोल नंबर है सिर्फ वो मेरा है, तो वो मेरी एक यूनिक आईडी है। इसी तरह जिस तरह आपके पास आईडी कार्ड नंबर होता है तो वो आपका ही सिर्फ आईडी कार्ड नंबर होता है, वो किसी और का नहीं होता। तो इसी यही एनालॉजी एचटीएमएल के अंदर भी इस्तेमाल होती है कि एक क्लास में तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो वो एक क्लास आपकी डिफरेंट एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन जो आईडी है वो एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए होती है। और जबकि क्लासेस जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए होती हैं, वो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए नहीं होती। आप यूज़ कर सकते हैं सेम एलिमेंट के ऊपर, लेकिन क्या है कि आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी उसको यूज़ किया जा सकता है, जबकि आईडी को आपने सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ आपने यूज़ करना है, ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ यूज़ नहीं करना। अब हम एक और इधर हम एक और फाइल बना लेंगे अपनी, जिसमें हम home.html लिख लेंगे इसका नेम। और इस फाइल के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा एचटीएमएल का। अभी क्योंकि हमने एलिमेंट्स तो काफ़ी सारे कवर कर लिए हैं, मेरा नहीं ख्याल हमें और एलिमेंट्स इस तरह कवर करने चाहिए,
तो अब हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एक जो हमने सिंटैक्स एलिमेंट्स का तो पढ़ लिया, लेकिन एक फाइल पूरी का सिंटैक्स क्या होना चाहिए उसको हम अभी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आएगा आपका ये एलिमेंट, एक ये टैग है एचटीएमएल का, जो कि डिफाइन करता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डॉक टाइप विच मीन्स डॉक्यूमेंट, डॉक फॉर डॉक्यूमेंट, टाइप फॉर टाइप ऑफ कोर्स, इस डॉक्यूमेंट की क्या टाइप है और वो टाइप है एचटीएमएल ऑफ कोर्स। तो इस ये अपने ब्राउजर्स को और सर्वर को बताता है कि इस जो ये हमारा डॉक्यूमेंट है एचटीएमएल की फाइल है, इस फाइल का टाइप क्या है और उस फाइल की टाइप ऑफ कोर्स क्या है कि वो एचटीएमएल है, तो उधर हमने लिख दिया है। अब इसी के बाद जो हमारा टैग आता है वो हमारा टैग आता है एचटीएमएल का, और ये एचटीएमएल का टैग हम यूज करते हैं। ये हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर तमाम हमारा जो भी आगे रेस्ट ऑफ द हमारा एचटीएमएल कोड होगा वो जाएगा, सारा का सारा कोड इन दो टैग्स के अंदर जाएगा। और ये हमारा एक एचटीएमएल का टैग हमारे टॉप ऑफ द पेज होता है और एक हमारे बॉटम ऑफ द पेज होता है, और इसके दरमियान जो भी हमारा टैग्स जितने भी हमने पढ़े हैं उन तमाम टैग्स को यूज़ किया जाएगा। अब हम कुछ और न्यू टैग्स भी पढ़ते हैं और जो बेसिक स्ट्रक्चर है बाकी चीज़ों का उसको भी डिस्कस करते हैं। हमारे जो न्यू टैग्स हमने पढ़ने हैं वो फर्स्ट टैग तो है हमारा हेड टैग, और इसी के साथ हम एक और टैग को भी देखेंगे, दोनों को फिर इकट्ठा डिस्कस करेंगे, बॉडी टैग। बॉडी टैग, अब हेड टैग और बॉडी टैग बेसिकली क्या है, मुझे एक सेकेंड दीजिएगा। तो हेड टैग और बॉडी टैग बेसिकली क्या है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इन दोनों का हम देख लेते हैं। तो आपके कुछ आगे एलिमेंट्स एचटीएमएल के ऐसे आएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो बेसिकली आपको अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड तो करनी है, लेकिन आपके वेब पेज के ऊपर वो शो नहीं हो रही। जैसा कि अभी हमने एक एलिमेंट देखा था, टाइटल का एलिमेंट देखा था, बेसिकली वो आपके वेब पेज के ऊपर तो नहीं शो हो रही, आपका वेब पेज तो इस लाइन से नीचे नीचे है, ये वाला जो वाइट एरिया है ये सारा आपका वेब पेज है। ये टाइटल टैग तो आपका बेसिकली पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है, आपके ब्राउजर को बता रहा है कि इस पेज का टाइटल क्या है, तो ब्राउजर उधर से फेच करके इधर शो डिस्प्ले करवा रहा है यूजर को कि हाँ इस पेज का टाइटल है ये, लेकिन आपके वेब पेज का वो पार्ट नहीं है, आपके वेब पेज का जो विजुअल पार्ट है उसमें टाइटल इंक्लूड नहीं होता। तो जो टाइटल जाएगा ना आपके वेब पेज का, वो टाइटल जाएगा आपका हेड के अंदर, और जो भी ऐसा एलिमेंट के जो आपके विजुअल पार्ट का हिस्सा ना हो, आपके वेब पेज के विजुअल पार्ट का हिस्सा ना हो, वो आपका हेड के अंदर जाएगा। और अगर हमने क्योंकि डिस्कस इन दोनों एलिमेंट को इकट्ठा किया था, तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि जो भी एलिमेंट आपके विजुअल पार्ट का हिस्सा हो वो आपका बॉडी टैग के अंदर जाएगा। अगेन, जो आपका विजुअल पार्ट का हिस्सा ना हो वो एचटीएमएल हेड के अंदर जाएगा, और एचटीएमएल का वो कोड जो आपके विजुअल पार्ट का हिस्सा हो, मीन्स कि आप अपने वेब पेज के ऊपर उसको डिस्प्ले करवा रहे हो, तो वो आपका बॉडी के अंदर जाएगा। अब बॉडी टैग को तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ हेड टैग को डिस्कस करेंगे। हम कुछ अपने देखेंगे हमारे जो फेमस हेड टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट हमारे जो टाइटल हमारे जो जाते हैं एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को देखेंगे हम। हमारा जो फेमस एक एलिमेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था वो है टाइटल का, कि हम अपने हेड टैग के अंदर टाइटल को यूज़ करते हैं, उस टाइटल को हम दिखाने के लिए यूज़ करते हैं कि ये हमारा जो हमारा टाइटल है पेज का ये वो है। उसके बाद हम एक और जो एलिमेंट हम बहुत ज़रूरी ऐड करते हैं वो है मेटा का, हम देख लेते हैं कि वो कौन सा है। उसका स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा है फर्स्ट टाइप का, ये सेकंड टाइप का एलिमेंट है कि इसका सिर्फ ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग इसका नहीं है। तो इसमें हम जो इंफॉर्मेशन हमने अब एट्रीब्यूट ऐड करना है, तो वो एट्रीब्यूट इसका है चार सेट हम ऐड करेंगे और इसका लिखेंगे UTF और 8। तो चार सेट मीन्स करेक्टर सेट इसका हमारा कौन सा है, हमारा करेक्टर सेट इसका है UTF 8,
ये करेक्टर सेट का नाम है जो हम यूज़ करते हैं एचटीएमएल की फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। तो अब ये मेटा टैग हमारा जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारी कि हमारे इस पेज के अंदर, इस फाइल के अंदर हम जो करेक्टर सेट ऐड कर रहे हैं वो UTF-8 है। हम कोई चीज़ इसमें डिस्प्ले नहीं करवा रहे इस टैग को यूज़ करते हुए, तो इसलिए ये हमारे हेड टैग के अंदर है ना कि बॉडी टैग के अंदर। एक और हमारा मेटा टैग यूज़ होता है, वो टैग है मेटा हमारा नेम, उसका एक एट्रीब्यूट उसका आ जाएगा नेम, और उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी व्यू पोर्ट, और उसका एक एट्रीब्यूट आएगा कंटेंट, और उसमें वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी कोमा सेपरेटेड, जो कि एक होगी वेट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। तो ये हमारा एक मेटा टैग है जो कि हमारी वेब पेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको जब हम CSS पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे कि ये हमारे ज़रूरी क्यों होता है। दोबारा एक और हमारे पास जो मेटा टैग आएगा उसको भी देखेंगे। एक और मेटा टैग उसका नेम होगा, उसका नेम होगा डिस्क्रिप्शन। नेम होगा उसका डिस्क्रिप्शन, और उसका कंटेंट, बेसिकली कंटेंट एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी आपका पेज जिस बारे में होगा, आपके पेज का जो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक लाइन का वो इधर ऐड किया जाएगा। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं इस पेज के ऊपर, हम लर्निंग HTML हैं, हम HTML को लर्न कर रहे हैं, ये हम जो हमारा वेब पेज है इसके ऊपर, तो हम इधर ऐड करेंगे लर्निंग HTML। एक और मेटा टैग हमारा होगा, और उस मेटा टैग का नेम होगा नेम इज इक्वल टू कोट्स हमारा आ जाएगा ऑथर। ऑथर मीन्स कि इस वेब पेज को बनाया किसने है, इसका डेवलपर कौन है, और उसके कंटेंट में ऑफ कोर्स क्या जाएगा, उसके कंटेंट में जाएगा डेवलपर का नाम, जैसे कि मैं अभी अपना लिख दूंगा, और आप लोग जब अपनी वेब पेजेस बनाएंगे उसमें आप लोग अपना लिखेंगे। तो ये कुछ टैग्स हैं, आज आज के लिए इतना ही है। हम दोबारा एक बार रिविजिट कर लेंगे, किसी का क्वेश्चन हो तो अभी क्वेश्चन आस्क कर देंगे, अभी मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही कि हमने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने न्यू कुछ एलिमेंट्स सीखे हैं। सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी हमने, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हमने ब्रेक टैग देखा, एम्फेसिस टैग देखा, आई टैग देखा, देन स्मॉल का टैग देखा, स्ट्रॉन्ग देखा, देन हमने सुपर स्क्रिप्टेड और सब स्क्रिप्टेड देखा, डेल का टैग है, मार्क टैग है, देन हमने कलर को डिस्कस किया कि कलर्स में हम कैसे किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं HTML के अंदर, देन हमने इमेज टैग को रिविजिट किया, देन लिस्ट देखी हमने दो किस किस्म की लिस्टें होती हैं, एक लिस्ट है हमारी UL और एक है OL, UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, देन पेज टाइटल का एक न्यू एलिमेंट हमने डिस्कस किया, और क्लासेस और IDs को देखा कि क्लासेस हमारी किस लिए यूज़ होती हैं और IDs किस लिए यूज़ होती हैं। तो अभी क्वेश्चन मेरे हल आया है किसी का, देख लेते हैं उसको। जब आपने हेड का एलिमेंट लगाया तो आपको टाइटल एंड लिंक की सजेशन आ गई ब्राउन कलर में, ये कैसे आई? बेसिकली कुछ HTML हमारे VS कोड के अंदर आपके हेल्प करने के लिए, कोडिंग करने के लिए कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, तो जो मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ वो है GitHub Copilot, वो एक्सटेंशन पेड है, लेकिन कुछ और भी एक्सटेंशन हैं जो इस किस्म के काम के लिए आती हैं, लेकिन अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपको अभी खुद पता नहीं है कि आपका बेसिकली क्या है सारे एलिमेंट और उनका क्या मतलब है सारे एलिमेंट्स के, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ऑटो कम्प्लीट। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह हम तमाम एक्सटेंशंस के नाम भी आपको बताएंगे ताकि हेल्प हो जाए आपकी, आपको तमाम कोड अपने हाथ से मैन्युअली इंटर ना करना पड़े। लेकिन स्टार्ट के लिए आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि मैन्युअली इंटर करें आप सारा कोड ताकि आपको याद हो जाए। सर UL और OL टैग्स के एट्रीब्यूट टाइप कोड एक्सप्लेन कर दें। एट्रीब्यूट टाइप UL और OL को मैंने एक्सप्लेन किया है कि UL बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट है और OL बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट है। UL मींस कि आपने, अगर आपके पास कंटेंट कोई ऐसा हो जिसमें कोई हायरार्की ना हो कंटेंट की, आपका नीचे वाला आइटम ऊपर आ सके, ऊपर वाला नीचे आ सके, बेसिकली ऐसा सच उसमें कोई डिफरेंस ना हो, तो वो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी UL टैग के अंदर। लेकिन अगर आपका OL टैग आप लगाते हैं तो उसमें आपने कंटेंट ऐसा रखना है कि उसमें आपके हायरार्की हो अगर उस कंटेंट की, तो आपने OL यूज़ करना है।
जैसे मैंने अभी इधर यूज़ किया है फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं थर्ड आइटम को टॉप पे डिस्प्ले करा दूं और फर्स्ट आइटम को नीचे डिस्प्ले करवा दूं। तो ये एक हायरार्की है, तो इस हायरार्की के लिए मेंटेन करने के लिए मैंने ओएल टैग यूज़ किया है। विल यू प्लीज शेयर द कोड विद अस सो वी कैन प्रैक्टिस द कोड विदाउट हैविंग ट्रबल्स और मिसिंग एनी टैग्स और एट्रीब्यूट्स। ऑफ कोर्स हाँ अंबर, हाँ मैं कोड बेसिकली डेली आपको जो भी एक अपना रॉर के अंदर फाइल आपके ग्रुप में आ जाती है, फर्स्ट लेक्चर की भी आ गई थी, इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर की भी, अभी लेक्चर ख़त्म होने के 10-15 मिनट बाद आ जाएगी, तो तमाम फाइल्स ग्रुप के अंदर शेयर की जाती हैं ताकि आप डिस्कस अपने रिमेंबर कर सकें कि कोड डिस्कस क्या हुआ था। और जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि मेरा व्हाट्सएप भी ऑलवेज ओपन है और ग्रुप भी ऑलवेज ओपन होता है, तमाम एडमिन इंशाल्लाह मोस्ट एक्टिव हैं, तो आप लोग किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके पूछ लिया करें। और एक बार इमेज टैग लगा दें डिवाइस की पिक से। डिवाइस की पिक से, ओके डिवाइस की पिक से हम कुछ लगा देते हैं एट्रीब्यूट सुहेब के कहने पर। यहाँ पे कुछ पिक्चर हम देख लेंगे कौन सी पिक्चर हमें यूज़ करनी है। हम इस पिक्चर को देख लेते हैं। अब इस पिक्चर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक जो लिंक होगा वो हम देख लेंगे। इसका जो लिंक है वो ये है, हमने इसका एक लिंक ले लिया और हम बेसिकली हमारे पास इमेज हमने इधर लगाया था, इमेज टैग को हम इधर ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने चेंजिंग क्या करनी है कि हमने इसका जो स्लैशेस हैं उसको बैकवर्ड की बजाय फॉरवर्ड कर देना है, और हम अपने जो हमारा वेब पेज था उसके ऊपर देखेंगे कि एलिमेंट हमारा इमेज का कौन सी फाइल है। ये सो अब हम अगर देख लें, और अब हम लिंक जो है इमेज का हमें बेसिकली फाइल का जो नेम है वो भी ऐड करना था, लेकिन हमने ऐड नहीं किया फाइल का नेम उसके फ्रंट पे। और हम इमेज के फाइल का नेम कॉपी करेंगे सबसे पहले और फॉरवर्ड स्लैश के आगे इमेज का नेम भी डालेंगे हम, और ये इमेज शो हो गई है। स्वेब का कल भी क्वेश्चन था कि बेसिकली इमेज हमारी डिवाइस से क्यों नहीं लगती, तो बेसिकली डिवाइस से मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि एक कोड प्रॉब्लम होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट लिंक का। हमारे नेक्स्ट एक लेक्चर में हमारा ये होगा टॉपिक, लेकिन अभी स्वेब के आंसर के लिए, तो जो आप इमेज का जो कॉपी करते हैं ना एड्रेस अपने विंडो के अंदर से, तो वो आपका कुछ इस तरह होता है कि आपकी तमाम जो स्लैशेस होती हैं वो बैकवर्ड्स होती हैं। अगर इनको मैं बैकवर्ड सारी को चेंज कर दूं तो बेसिकली क्या होगा कि इमेज अभी तो कैश में है तो इमेज शो हो रही है, लेकिन इमेज शो होना बंद हो जाती है क्योंकि अगर एब्सोल्यूट लिंक हो तो इमेज को जो बेसिकली शो होती है वो नहीं होती, क्योंकि एब्सोल्यूट लिंक वर्क नहीं करता HTML के अंदर। हमें रिलेटिव HTML के अंदर लिंक प्रोवाइड करना होता है जो कि फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ होता है। और जैसा कि कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम कभी भी रिकमेंड नहीं होता कि आप अपनी डिवाइस की पिक लगाएं, क्योंकि आपने अपना कोड एट द एंड ऑफ द डे आपने एक सर्वर पे डालना होता है, अपलोड करना होता है अपनी होस्टिंग के ऊपर, तो आपके डिवाइस तो उधर मौजूद नहीं होगा। तो तमाम इमेजेस को आपने सेम फोल्डर में रखना है कि जिस फोल्डर के अंदर आपकी HTML की फाइल है, आपने उसके बाहर की पिक्चर अगर शो करवानी है तो वो कुछ इस तरह शो हो भी सकती है। आपने कल भी कहा था कि आपकी नहीं शो हो रही, तो आपका अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप अपने स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में शेयर करें, वो भी हम रिव्यू कर लेंगे, लेकिन अभी ये इधर शो हो चुकी है। लेकिन डिवाइस के अंदर से या सी यूजर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये पिक्चर है तो ये इधर शो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा एट्रीब्यूट्स इन लिटिल बिट मोर डिटेल। मेटा एट्रीब्यूट्स, मेटा एट्रीब्यूट्स बेसिकली आर एट्रीब्यूट्स विच डज नॉट डिस्प्ले एनी कंटेंट ऑन द पेज।
ठीक है, ये कोई बेसिकली आपका जो कंटेंट है पेज के ऊपर वो डिस्प्ले नहीं कर रहे, ये जस्ट ब्राउजर को आपके पेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, मेटा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जो आपका फर्स्ट मेटा टैग इधर लगा हुआ है वो चार सेट मीन्स करेक्टर सेट, जो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक करेक्टर सेट इस्तेमाल होगा UTF। अगर आप गूगल क्रोम के ऊपर चले जाएं और उधर सर्च कर लें UTF-8 करेक्टर सेट, तो आपको वो एक सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि UTF-8 करेक्टर सेट क्या होता है और मुख्तलिफ कौन से करेक्टर सेट्स हैं, और मुख्तलिफ करेक्टर सेट भी इस्तेमाल होते हैं आगे अपन लाइब्रेरीज, और जब यूज़ करेंगे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस तो उसके अंदर मुख्तलिफ करेक्टर सेट इस्तेमाल होंगे। इसी तरह यहाँ पे पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, और पेज के बारे में पेज के ऑथर का नेम भी शेयर किया जा रहा है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें कभी भी डिस्प्ले नहीं होगी पेज के ऊपर, अगर इस पेज को हम देखें तो यहाँ पे हमें कमी कहीं पे डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन जब हम अपने सर्वर को ये देंगे अपनी फाइल, या जब वेब ब्राउज़र इस फाइल को सर्च करेगा या रन करेगा, तो उसको ये तमाम चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि हमारी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो हो सके। तो ये एक डिटेल्स की बातें हैं, ये इंशाल्लाह हम साथ साथ करते रहेंगे जब हम इस डिस्कशन पे आएंगे, जब हम सर्वर्स वगैरह क्रिएट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मेटा इन्फॉर्मेशन, मेटा टैग्स जो हैं ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए हैं, ये कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू इफ वी वांट टू शो द इमेज इन सेंटर, इमेज को अगर सेंटर में आपने शो करवाना है, बेसिकली आपका HTML से तो नहीं होगा, आपको CSS यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर CSS इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक, इस वीक की क्लासेस तो ख़त्म हो गई, तो नेक्स्ट वीक हम बेसिक फर्स्ट लेक्चर के अंदर HTML को कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह CSS शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह उधर भी हम देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को या इमेज को या किसी भी और एलिमेंट को सेंटर में अगर शो करवाना है तो कैसे करवाना है। अब मेरे क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं, तो अब हम रैप अप करते हैं।